नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत क्लास 8वीं की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 14 आर्यभट्ट। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको इसका हिंदी अनुवाद कराऊंगी। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से यह समझ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम चह अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता हुआ देखा जाता है। इति दृश्यते ही लोके ही, यही इस संसार में देखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यही इस संसार में देखा जाता है। परम परंतु ने अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे यह नहीं समझना चाहिए, यह नहीं जानना चाहिए यत कि सूर्य हो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है, सूर्य हो अचल है, सूर्य अचल है, स्थिर है। पृथ्वी चे चला, पृथ्वी चलायमान है, पृथ्वी गतिशील है। यह स्वय की ये अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, आज यही सिद्धांत स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन प्रवर्तित है, यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने प्रतिपादित किया सह आसीत, वह था महान गणितज्ञ ज्योतिर्वच्य आर्यभट्ट है। महान गणितज्ञ, गणित की अच्छी जानकारी रखने वाला और ज्योतिष शास्त्र की जानकारी रखने वाला आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरायाः प्रचलितः रूढ़ि तेन प्रत्यह दिष्टः, यह पृथ्वी स्थित है इस प्रचलित परंपरा का उन्होंने खंडन किया। तेन यानी कि उन्होंने, आर्यभट्ट ने इस परंपरा का खंडन किया। तेन उदाहृतम, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया यत कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानव, चलती हुई नाव में बैठा हुआ मानव, बैठे हुए मनुष्य नौकाम स्थिरम अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करते हैं। अन्यान चे पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील अवगच्छति देखते हैं। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानव है, इसी प्रकार से ही गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानव, स्थित मानव पृथ्वी ही स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं। और सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझते हैं। 476 तमे ख्रिस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति, 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेने विरचित आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, यह उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे वयस ही विरचित, यानी कि ग्रंथो अयम त्रयोविंशति तमे, जब यह उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की तब वह मात्र 23 वर्ष के थे। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते ज्ञात होता है यत कि पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेदशाला थी। पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं। अनेन इदम अनुमीयते, इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है यत कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषः संबंधम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जो संख्याओं के आकलन से संबंध से महत्व आद्यति रखता है, यानी कि जो संख्याओं के आकलन का महत्व रखता है।
आर्यभट्ट है, फलित ज्योति शास्त्र ने विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट थे, वह फलित ज्योति शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्यतः कृतम आकलम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत। गणितीय पद्धति के अनुसार किए गए आकलनों के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया, प्रतिपादितम यद प्रतिपादित किया कि ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। उन्होंने कहा कि ग्रहण में राहु और केतु नामक जो दानव हैं वह कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणी कारणानी। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ग्रहण होता है तो उसमें जो राहु और केतु नामक जो दानव हैं, दो राक्षस हैं, वह कारण नहीं है, बल्कि ग्रहण में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण होते हैं। सूर्य परितः ब्रह्मत्यः पृथ्वीः। जब सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रम पथेन संयोगातः ग्रहणम भवति और चंद्रमा के परिक्रम पथ के संयोग के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार से ही, तथा प्लस एव उसी प्रकार से ही पृथ्वी सूर्ययो मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य चंद्रमा के आने से, उसकी छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचारणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवन्ति। काठिन्यम प्लस अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जनः, सामान्य जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी तथैव उसी प्रकार से ही आर्यभट्ट का भी अपि भी विरोधः अभवत्, विरोध हुआ। तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः, उनके सिद्धांतों की भी उपेक्षा की गई, यानी कि उनके सिद्धांतों को भी अनदेखा किया गया। सह पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः। जो व्यक्ति अपने आप को पंडितम बुद्धिमान समझते थे उन्होंने उनका उपहास किया, आर्यभट्ट का मजाक उड़ाया। पुनरअपि तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी ये दो शब्द हैं दृष्टः, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली थी। आधुनिकाई वैज्ञानिकाई तस्मिन तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन उनके सिद्धांतों में समादरः आदर प्रकट किया। अस्मात् एव कारणात् ये दो शब्द हैं, अस्मात् प्लस एव इसी कारण से ही अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से ही हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा में वे एक शिखर पुरुष आसीत थे। ये था आपका चैप्टर नंबर 14 आर्यभट्ट। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सा ये चैप्टर था। मैंने आपको इसका बहुत ही अच्छे से हिंदी अनुवाद करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दो बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लें, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ और आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।